हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू बताऊंगी। ये है फिशर प्राइस का गेमिंग सेट है, आई थिंक ये पजल सेट भी कह सकते हैं। एक्चुअली बटरफ्लाई शेप में है, सो ये बच्चों को बहुत अच्छे से इंगेज करके रख सकता है। लेकिन अगर आपके बच्चे छोटे हैं, मतलब 1 ईयर से छोटे बच्चे, तो आप उनके लिए नहीं लीजिए, क्योंकि 1 ईयर के बाद भी बच्चों में इतनी समझ नहीं है कि वो जो 6 ब्लॉक्स उनको दिए गए हैं वो किस तरीके से उसमें लगा सकते हैं। बस वो खेल सकते हैं अभी तो, लेकिन ये कुछ दिन के बाद के बच्चों के लिए ही ज़्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से, 2 और 3 ईयर्स के बच्चों के लिए। लेकिन मेरी बेबी भी 13 मंथ की है, तो मैंने उसके लिए ख़रीदा था। तो इसकी जो पैकेजिंग आई थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से आई थी। थोड़ा सा बॉक्स टूटा हुआ था, लेकिन इट्स ओके, चलेगा। सो आप देख सकते हैं कि बटरफ्लाई शेप में है, तो इसमें शेप्स दिए गए हैं बहुत तरीके के, स्टार्स, सर्कल और जो भी आप देख सकते हैं सारे शेप्स हैं। तो बच्चे इसमें इंगेज रहता है, लेकिन मेरी बेबी ने इसको इंगेज तो कर नहीं पाती, क्योंकि भी छोटी है, उसे बिल्कुल समझ नहीं है कि शेप्स कैसे जाएंगे बॉक्स के अंदर, तो वो मार मार के तोड़ रही है। लेकिन अगर आपके बच्चे 2 ईयर्स से ऊपर हैं या फिर 3 ईयर्स के लिए, तो वो बहुत अच्छे से शेप्स को सीख सकते हैं इसमें खेलते खेलते। तो मैंने अपने बेबी के लिए ऐसे ही लिया था कि वो सीखे थोड़ा सा, लेकिन अभी तो नहीं सीखेगी, तो जितना ही खेलेगी तब भी चलेगा। सो मेरे हिसाब से जो इसकी क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है, स्टडी क्वालिटी है। तो मेरे हिसाब से तो थम्स अप है इस बच्चों के गेम के लिए। सो आप ले सकते हैं। इसकी प्राइस आई थिंक ज़्यादा नहीं है, 350 समथिंग की है। सो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।